दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सप्लीमेंट्री का रिजल्ट कब तक घोषित किया जाएगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम को 15 सितंबर से 22 सितंबर के बीच आयोजित किए गए थे, तो इन परीक्षाओं का रिजल्ट जल्दी से जारी कर दिया जाए ताकि जो स्टूडेंट हैं वो कॉलेज में एडमिशन लें और जो 10th के स्टूडेंट हैं वो अपने 11th में एडमिशन ले सकें। जैसे कि पता है कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया चालू कर दी गई है और इसमें सारे राउंड ख़त्म कर दिए गए हैं। CLG राउंड भी ख़त्म हो चुका है, तो इसके बाद उनका एडमिशन कैसे होगा। तो सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है कि 10वीं 12वीं का अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है और 10वीं 12वीं के जो आपके पेपर हैं वो बहुत लेट करवाए गए थे। आप सभी को पता है कि जो कोरोना वायरस की वजह से इस बार पेपर बहुत लेट हुए थे, तो इस वजह से आपकी जो सितंबर में परीक्षा हुई थी उसके अभी रिजल्ट अक्टूबर में आने की संभावना है। तो अक्टूबर में किस तारीख को आएगा इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको एडमिशन कैसे लेंगे तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप सभी को पता है आपके एग्ज़ाम 15 से 22 सितंबर के हुए थे, तो एक महीने का समथिंग टाइम तो लगता है रिजल्ट को तैयार करने में। यहाँ आपके 22 तारीख तक तो पेपर ख़त्म हुए थे, लेकिन आज 6 अक्टूबर है, तो यानी कि यहाँ पर तीसरे वीक तक आपके रिजल्ट आने की चांसेस हैं। लेकिन आपको बता दूं कि MP बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से कोई भी ऐसा ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है कि इस बार रिजल्ट इतनी तारीख को आएगा, क्योंकि इस बार कोई भी ऐसा सुचारू रूप से काम नहीं चल पा रहा है कोरोना वायरस की वजह से। रिजल्ट आता है तो 1-2 दिन में आ जाता है, कोई नोटिस जारी नहीं किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर 12th का रिजल्ट जारी नहीं किया जाता तो जो CLC राउंड भी खत्म हो चुके हैं कॉलेज में, तो एडमिशन कैसे लेंगे। तो दोस्तों MP बोर्ड की तरफ से बता दिया गया है, जो भी नोटिस जारी कर दिया गया है कि जो 12th का सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आएगा उसके बाद सप्लीमेंट्री की जो भी परीक्षा दी उन स्टूडेंटों के लिए अलग से एक राउंड स्टार्ट किया जाएगा ताकि वो अपनी साल को बचा सकें। तो दोस्तों आप टेंशन ना लें, टेंशन बिल्कुल भी ना लें, जब भी रिजल्ट आएगा उसके बाद आप कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। तो आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो पसंद आई, तो वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लें, वहाँ से आप रिजल्ट को आसानी से देख पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।